हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, सीबीएसई का रिजल्ट, 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज 3 बजे जारी होगा। दोस्तों, इसका फुल डिटेल देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर बेल कर वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों देखिए, दोस्तों क्या लिखा हुआ है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम आज 23 जुलाई नवोदय टाइम्स काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव गौरी अराथून ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि अराथून ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्रों के लिए परिणाम काउंसलिंग की वेबसाइट पर और SMS के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैरियर्स पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए तालिका रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य के लॉगिन आईडी और पासपोर्ट का इस्तेमाल काउंसिल के कैरियर्स पोर्टल पर लॉगिन कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने कोविड-19 की खतरनाक दूसरी लहर के मद्देनज़र दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा रद्द कर दी थी। परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा के नतीजे आज, ठीक है। काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव गौरी अनुराधा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अनुराधा ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम शनिवार को 24 जुलाई को दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे। परिणाम काउंसिल की वेबसाइट पर और SMS के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैरियर्स पोर्टल के माध्यम से स्कूलों के लिए तालिका से रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल प्रधानाचार्य के लॉगिन आईडी और पासपोर्ट का इस्तेमाल कर काउंसिल के कैरियर्स पोर्टल पर लॉगिन कर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड ने कोविड-19 की खतरनाक दूसरी लहर के मद्देनज़र दोनों कक्षाओं के लिए परीक्षा रद्द की थी। परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित किए जाएंगे। अराथून ने बताया कि पिछले वर्षों के उलट इस बार उत्तर पुस्तिका की फिर से जांच का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को निर्धारित पद्धति से अंक दिए गए हैं। हालांकि गणना त्रुटियां यदि कोई हो तो उसमें सुधार के लिए विवाद समाधान प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा, परिणाम में अंकों की गणना के संबंध में किसी विद्यार्थी को आपत्ति हो तो वह स्कूल को लिखित आवेदन देकर कारणों के साथ अपनी आपत्ति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई नंबर कम आएगा तो आप लोग लेटर लिख के स्कूल में जमा कर सकते हो। दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को इसकी मतलब जो चेक करना है रिजल्ट उसके बारे में वीडियो बनाना तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा। दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के शेयर कर देना। दोस्तों, जिसका भी रिजल्ट आ रहा होगा ये न्यूज़ देख के काफ़ी खुश हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।